कि सिवान और छपरा में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर के चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद से मातम पसरा हुआ है। एक बार फिर से नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून सवालों के कटघरे में है। एक तरफ पूरा विपक्ष जहां सरकार से इस मुद्दे को लेकर के सवाल पूछ रहा है, तो वहीं आपको बता दे कि बिहार में हुए जहरीली शराब कांड की गूंज अब दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। नीतीश कुमार पर अब सीधा निशाना साधा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। बिहार के सिवान और सारण जिलों में जहरीली शराब को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार के सिवान और सारण जिलों में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने नीतीश कुमार के शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे आए दिन मौतें होती है। सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। तो नीतीश कुमार से प्रियंका गांधी ने शराबबंदी कानून को लगाम लगाने की बात कही है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून लागू तो कर दिया, लेकिन इसे लागू करा पाने में पूरी तरीके से फेल साबित हुए। आए दिन शराबबंदी के बाद से बिहार के कई ऐसे जिलों से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती है जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है, तो कहीं शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। एक बार फिर से नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून सवालों के कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। बता दें कि सिवान में 20 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से बताई जा रही है, तो वहीं छपरा सारण की बात करें तो अब तक कुल 7 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। ऐसे में सरकार से सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसी शराबबंदी है जहां बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद आसानी से लोगों तक शराब पहुंच रही है। लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।